जो होगा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 15। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको छोटी से छोटी क्वेश्चन बता चुके हैं, अंक वाला क्वेश्चन बता चुके हैं, अब देखिए कितना शॉर्ट तरीका इसको बताएंगे। और वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 270, 675 और 515, 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। देखिए क्या करना है, इसमें बड़ी से बड़ी जब संख्या कहे तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और छोटी छोटी संख्या कहे तब एलसीएम निकालना है। इसमें क्या बड़ी से बड़ी संख्या, इसको एचसीएफ निकालना है। जैसे देखिए क्वेश्चन कितना है, 270, 675 और 1215 को विभाजित, समान शेष बता, समान शेष बता तब क्या करना है वो देखिए। कितना है, 270, 270 और 675, उसके बाद 1215, 1215। अब देखिए करना क्या है आपको, पहला संख्या में दूसरा दूसरा संख्या में पहला संख्या पहले घटाइए, कितना 600, 675 में 270 पहले घटाइए, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद फिर देखिए 1215, 1215 में तीसरा संख्या में से दूसरा संख्या घटाइए 675 को, उसके बाद देखिए उसके बाद करना क्या है, उसका इतना कर ले, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना है फिर लास्ट वाला को शुरू वाला से घटाना है। लास्ट वाला कितना, 1215 को शुरू वाला संख्या से घटाना है। अब देखिए करना क्या है आपको, सबको घटा कितना आया वो देखिए, इसको घटाइएगा 0, 5 में जो 0, उसके बाद 7 में 7 जाएगा ना 10, 0 बाकी 1, उसके बाद 6 4 हो जाएगा कितना 270, 300, 375, उसके बाद 30, 405 हो जाएगा, 405। इसको 675 में 270 घटेगा, 5 में से 0 तो 5, 7 में 7 जाएगा तो 17, 17 में से 0 बाकी 1, 6 में से 2 4, 405 हो गया। उसके बाद इसको घटाइए कितना बचेगा, 1215 में 675 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो पैसा 10, 10 और 15, 15 में से 5 जाएगा कितना जी 15, 5 0। उसके बाद ये हो जाएगा कितना बाकी 1, और ये 1 में 7 जाएगा नहीं 10, 10 11 कितना 4। उसके बाद ये बचा कितना, ये बच गया 1, 1 फिर 10, 10 11, 11 में से हो गया 5, 540। अब उसके बाद इसमें देखिए 1215 में 270 घटेगा तो 5 में से 0 हो जाएगा कितना बचेगा, 5 में 5, उसके बाद 1 है, 1 में से 7 जाएगा 10, 10 11, 11 में से 7 घटेगा कितना 4। उसके बाद यहाँ बचा 1, 1 में 2 घटेगा ना, इस पर 10 11, 11 में से 2 जाएगा कितना 9, 945। अब देखिए करना क्या है, सबको निकाल लिए, पहला का आया 400, कितना पहला संख्या कितना आया, पहला संख्या आया 405, दूसरा 540 और तीसरा 945। अब देखिए करना क्या है आपको, 405 और 540 का अंतर, ये दोनों का अंतर लीजिए, कितना का 540 और 540 का, इसका देखिए अंतर कितना है, अंतर कितना है 35 का, 135 का है, 135 का अंतर कितना 135। अब देखिए एस सी एफ ऑप्शन में जाइए, देखिए आंसर में 135 है, ऑप्शन बी में 135 है, 135 405 भी कर जाएगा, 540 भी कर जाएगा, 945 भी कर जाएगा। अब देखिए 45 भी है, 45 से भी कटेगा 405, 540, 945, तो 45 से भी कटेगा, 135 से भी कटेगा। अब कौन ऑप्शन लेंगे, बड़ा वाला लेंगे छोटा वाला लेंगे, लेकिन आपको लेना है बड़ा वाला, 45 है छोटा, उससे बड़ा है 135, तो हमको लेना है 135, 135 का एस सी एफ आंसर निकल कर चला, क्योंकि बड़ा संख्या अधिकतम वाला मान लेना पड़ता है एस सी एफ में, जब भी ऑप्शन में दो रहे तो छोटा और बड़ा दोनों से कट रहा है तो आपको बड़ा वाला संख्या लेना है। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, जब भी
समान शेष रहे। क्वेश्चन में कहा समान शेष बचता है तो करना क्या है, पहले दूसरी संख्या में पहली संख्या घटाइए, उसके बाद तीसरी संख्या से दूसरी संख्या घटाइए, उसके बाद तीसरी संख्या से फिर पहली संख्या घटाइए, और उसके बाद सबको सजा दीजिए कितना आया 405, 540, 945। इसका अंतर कितना 135, 135 अंतर है। तो देखिए ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में देखिए कितना है, जितना रहे उस अनुसार, अगर फिर अगर नहीं मिलेगा तो आपको इसको खंड कर कर आप ऑप्शन में देखिए कौन है, उसके बाद देखिए करता है कि नहीं। जब तीनों संख्या कट जाएगा और उसी में जब दो रहता है, एक छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, तो बड़ा आपको लेना है आंसर में बड़ा। देखिए क्वेश्चन, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। जब भी बड़ा से बड़ा कहे तो आपको क्या एलसीएम निकालना है, छोटा कहे तो आपको एलसीएम निकालना है। अब देखिए अंक कहे तो आपको बता चुके, इतना शॉर्ट अंक वाला क्वेश्चन, इतना शॉर्ट कि आप कभी ऐसा क्वेश्चन किए नहीं होंगे। अब देखिए कितना है 63, 63 और 87 और 123, तो करना क्या है, दूसरी संख्या से पहली संख्या घटाइए, 87 में पहली संख्या 63 घटाएंगे, उसके बाद लास्ट तीसरी संख्या 123 में से दूसरी संख्या 87 को घटाएंगे, उसके बाद लास्ट संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे, लास्ट संख्या कितना 123 में पहली संख्या 63 घटाएंगे। अब देखिए इसको घटा कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 8 में से 6 2, 24, इसको घटाइए 123 में से 87 जाएगा तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा कितना 3, 13 और 13 27 6 46, कितना 36 बच जाएगा, 6 36 36, उसके बाद 123 में 63 घट जाएगा, 40 कितना 60, तो ये हो गया 60। अब देखिए करना क्या, आपको कितना निकला, पहला निकला कितना 24, दूसरा 36, तीसरा 60। अब देखिए इसका अंतर कितना है, अंतर कितना है 12 का, 12 एसएफ। देखिए आप आंसर में जाइए, आंसर में देखिए 12 है, हाँ 12 है आंसर में, 12 है तो देखिए 12 से 24 करता है, कर जाता है, 36 भी कर जाता, 60 भी कर जाता है 12 से, इसका मतलब 12 आंसर है। अब देखिए इसमें 6 भी दिया हुआ, 6 भी दिया हुआ, 6 से भी 24 कटेगा, 36 भी कटेगा, 60 भी कटेगा 6 से, तो 6 कौन छोटा है, 12 बड़ा है, 16 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, तो 6 है छोटा, 18 12 है बड़ा, तो बड़ा संख्या हमको लेना है एससीएफ में, अधिकतम संख्या वाला हमको लेना है। अब देखिए तो 12 इसका आंसर निकल कर चलाएगा, छोटा संख्या को लेना नहीं है, उससे बड़ा लेना है, तो 6 और 12 दोनों से कट जाएगा, लेकिन हमको लेना है बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या हम ले लिए कितना 12, तो 12 इसका आंसर निकल कर ऑप्शन बी इसका निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, जब भी आपको शॉर्ट इतना आप क्वेश्चन को अंक वाला, इससे पहले पार्ट 14-13 में अंक पर आधारित ऑल कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए देखना था जाकर ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखिए, यदि पी वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है तो पी के अंकों का योगफल क्या होगा। अब देखिए करना इस टाइप क्वेश्चन में क्या है, बड़ी से बड़ी, इसका भी एससीएफ निकालना है, इसका भी एससीएफ, जब बड़ी से बड़ी कहे संख्या तो आपको क्या करना, वो देखिए कितना है 60, 60 और 150, 150 और 285। अब देखिए करना क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या घटाइए, क्योंकि प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, समान शेष बचता है, तो समान शेष बचता है उसको देख क्या करना है, दूसरी संख्या, दूसरी कितना है 150, 150 में पहली संख्या 60 को हटाइए, उसके बाद लास्ट तीसरी संख्या कितना है 285 में दूसरी संख्या 150 घटाइए, उसके बाद फिर लास्ट वाला संख्या में 285 में पहली संख्या 60 को घटाइए। अब देखिए
इसको 150 घटेगा कितना बचेगा 90, 285 में से 150 जाएगा 50, 80, 85 या 50, 5 और 13 135, 135। उसके बाद 285 में से 60 जाएगा तो 225, 225। अब देखिए पहला संख्या कितना निकला 90, उसके बाद दूसरा 135, तीसरा 225। अब देखिए इसका अंतर, देखिए 90 और 135 का अंतर कितना है 45, कितना है 45 अंतर इसका 45 है। अब देखिए 45 जब अंतर है तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया तो P के अंकों का योग क्या है, ये तो किसका है मान जो निकला है P का, क्योंकि कहा गया यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाता है, P का मान हमको निकला, P का मान कितना है 45 निकल गया, तो कहा गया P के अंकों का योग क्या है, P का अंक का योग कितना होगा 4 और 5 का जोड़िएगा तो कितना 9, इसका 9 आंसर निकल कर 4, क्योंकि P का योग फल कहा गया तो 4 प्लस 5 जोड़िएगा तो 9, 9 इसका आंसर निकल कर चलाएगा, 9 इसका आंसर निकल कर चला, क्योंकि कहा गया P के अंकों का योग फल क्या होगा, P का कितना निकला 4, 45 निकला, 45 दोनों अंकों का जोड़िए 4 5 का, 4 5 जोड़िए अंक निकल कर, क्योंकि अंक है 4 5 क्या है अंक है, 45 एक अंक है, हमको अंकों कहा गया अंक कितना 4 भी अंक 5 भी दोनों को योगफल कहा गया, तो योगफल कितना 9 आंसर निकल कर चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है, क्या बड़ी से बड़ी संख्या का इसका भी SCF निकालना है, कितना है 1250, 1250 और 1615, 1615 है। अब देखिए करना क्या, कितना शेष बचता है, शेष कितना 4 और 5 बचता है, तो 4 इसमें घटाइए और 5 इसमें घटाइए, पहला कितना 4 और उसके बाद कितना 5, पहले 4 घटेगा उसके बाद घटेगा कितना 5, अब 1250 में 4 घटाइए कितना बचेगा 1246, उसके बाद 1615 में 5 घटेगा कितना 1610, 1610। अब देखिए इसका अंतर कितना है वो देखिए, 1246 1610 कितना अंतर है, 1610 में 1246 घटाइए कितना होता है 10 4, 10 6, उसके बाद 5 3, 364, 364 बच गया। अब देखिए ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाइए आप देखिए, ऑप्शन में जाइए देखिए 364 13 से कटता है, 364 13 से कट रहा है तो 13 से कट जाएगा 364। अब उसके बाद जाइए बीम देखिए 14 से कटता है तो 314 से भी कट जाएगा, उसके बाद देखिए 16 से कटता है, 16 से 364 नहीं कटेगा, ऑप्शन डी में जाइए 18 से कटेगा 364 नहीं कटेगा, इसका मतलब जो है 13 से कट रहा है 14 से कट रहा है, दो संख्याओं से कट रहा है, कितना 13 से कट रहा है और 14 से, इसका मतलब देखिए 13 बड़ा है कि 14 बड़ा है, तो 14 बड़ा है तो 14 इसका आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि जो बड़ा संख्या होता है वही आंसर निकल कर आता है, ये वाला नहीं होगा 13 नहीं होगा क्योंकि छोटा है, 13 छोटा है, SCF में जो अधिकतम जब ऑप्शन में रहेगा आपको ऑप्शन में रहेगा दो संख्या कट रहा है तो आपको देखना है छोटा बड़ा कौन है, जो बड़ा रहेगा वही आंसर निकल कर आएगा। अब देखिए 364 अंतर करके हम 364 ले लिए, उसके बाद हम आंसर हम निकाल लिए, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको करना जल्दी, ऑप्शन आपको सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व होगा। क्वेश्चन 245 तथा 1029 को विभाजित करने पर करने वाली सबसे बड़ी से संख्या कौन सी है जो दोनों ही मामले में शेष फल 5 देती है, 5 देती है दोनों मामले में, कितना है 245, 245
पैंतालीस है, उसके बाद कितना है 1029, 1029। तो कहा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों मामले में शेषफल पाँच देती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या और क्या एलसीएम निकालना है, और छोटी छोटी कहते हैं एलसीएम निकालना है। तो दोनों मामला कितना पाँच, तो पाँच दोनों मामला घटाइए, पाँच दोनों में पाँच घटाइए, कितना बचे 240। ये कितना बचेगा 1024, 1024 बचेगा। अब देखिए यहाँ 240 और 1024 का अंतर कितना है, कितना 784, 784 है। अब जाइए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में जाइए, देखिए 784 16 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, तो 1600 784 कट जाएगा, 16 से 784 कट जाएगा। उसके बाद देखिए 18 से कटेगा 784 नहीं कटेगा, 17 देखिए 17 से भी नहीं कटेगा, आप ऑप्शन डी में देखिए 15 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब है इस 1600 कट जाएगा, 16 इसका आंसर निकल कर चलाएगा, कितना 16 इसका आंसर निकल कर चलाएगा, क्योंकि 16 से ये 1784 पूरे कट जाएगा, पूरे कट जाएगा। इसलिए आपको आंसर के ऑप्शन के अनुसार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस टाइप से क्वेश्चन को जब भी रहे टाइम आपको कम बचेगा, ऑप्शन से क्वेश्चन को जल्दी आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या, या आपको अंक अंक रहे तो आपको कैसे करना है। अंक वाला क्वेश्चन आपको इतना शॉर्ट बताए हैं, इतना शॉर्ट कि अभी कभी ऐसा आप किए नहीं होंगे। खाली एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपको याद ही होगा भाजकता का नियम, आपको याद होगा, उसके बाद अंक का क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, 175 केले और 105 संतरे कितने छात्रों में समान रूप से बांटे जा सकते हैं। तो समान रूप से बांटे जा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, एलसीएम है कि एचसीएफ है, एचसीएफ है। अब देखिए कितना है 175, 175 है, उसके बाद कितना 105। अब देखिए तो समान रूप से बांटे जा सकते हैं, अब करना कि इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे निकाल वो देखिए, 175 105 का अंतर कितना है 70 है, अंतर 70, 70 को तोड़िए 35 दुना 70, इसका एचसीएफ कितना, एचसीएफ 35 हमको निकल गया, 35 निकल गया। अब ऑप्शन में जाइए 35 देखिए आंसर है, हाँ ऑप्शन बी में 35 है, अगर नहीं 35 रहता 7 रहता तो 7 देते, क्योंकि 7 पचे 35 फिर 7 से 5 से गुना करते। अब देखिए 7 नहीं है इसमें 35 है, तो 35 से देखिए 35 से 175 करता है, 175 कट जाएगा, उसके बाद देखिए 135 105 कटेगा, हाँ कट जाएगा 105 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो 25 देखिए कटेगा, 175 25 से कट जाएगा। यहाँ देखिए क्योंकि 25 हमको कोई 25 या कुछ से हमको कोई मतलब नहीं है, कटेगा वो कुछ से कोई मतलब को नहीं, वो कैसे देखिए, क्योंकि 35 दुना 70, अब इसका अगर 35 हम तोड़ते हैं तो 25 दुना 50 तो नहीं होगा, या क्या होगा, 35 होगा और कुछ नहीं हो सकता है, इसका मतलब 25 को कुछ उसको कोई मतलब को नहीं है, हमको आंसर सिर्फ 35 आंसर निकल कर आएगा, सिर्फ 35 आएगा, क्योंकि 25 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि इसका खंड होगा 25 तो आएगा नहीं, 25 दुना 50 ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 35 का खंड अगर तोड़ेंगे तो 7 बचे 35, 7 आ सकता है, 7 ऑप्शन में नहीं है, 7 अगर रहबो करता तो हम आंसर नहीं देते, क्योंकि बड़ा इससे है, बड़ा कौन है 35 है बड़ा, तो बड़ा हमको आना है आंसर में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आंसर कितना 35 आंसर निकल कर चलाया। जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन रहे आपको एचसीएफ जो है अगर बेसिक से देखना चाहते हैं तो पार्ट वन से देखिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आप देखे नहीं होंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए एक बार में। क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 10,000 में से घटाने जाने पर शेषफल को 32, 36, 48 और 54 से भाग दिया जाता है।
भाग दिया जा सकता है। तो शेषफल कितना है, 32, 36, 48, 54। जब आपको रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या, और शेषफल कितना है, 32, 36, 48, 54 से बाद क्या है, क्या निकालना है, एस सी एफ या एलसीएम। एलसीएम पहले निकालेंगे कैसे वो देखिए, क्योंकि क्या है वो देख, क्योंकि शेषफल कितना है, 32, 36, 48, 54 है, किसमें घटाने पर, 10,000 में घटाने जाने पर। देखिए कैसे बनाइएगा, कितना है 32 है और 36, 48 और 54, सबको एलसीएम पहले लीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 16, 18, 24, 27, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, 9, 12, 27, फिर 2 से लगेगा 4, 9, 6, 27, फिर 2 से लग जाएगा 2 से 3, 27, फिर लगेगा 3 से लगेगा 2, 1, 1, 9, 27, सबको गुना करिए, सबको गुना करिए, एलसीएम कितना है, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, 16 × 48, 48 × 8 = 16, 1 = 8, 9 = 96, 96 × 9 से गुना करिए, 9 × 9 = 28, 36 × 5 = 54, 54 × 4 = 5, 81, 81 + 5 = 81 + 5 = 86, 864, एलसीएम 864 कितना निकला, 864 इसका एलसीएम निकल कर चलाया। अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में कहा गया 10,000 में से घटा जाने पर शेषफल कितना, 32, 36, 48, 54 से भाग दिया जाता है, तो भाग दिया जा सकता है, कितना घटाने पर, 10,000 में से घटाने पर, तो 10,000 में घटाने जाने पर x बराबर 864, 864। अब देखिए माइनस एक्स बराबर 864, 10,000 प्लस में उठा जाएगा माइनस में, उस माइनस एक्स बराबर 864, माइनस में है 10,000, 800 तो प्लस में है 64, घटा घटेगा कितना बचेगा, 9,100 कितना बचेगा, 9,000 बच जाएगा, उसके बाद 1,000 में 764 घटेगा कितना बचेगा, 100 बच गया, उसके बाद 64 है तो हो जाएगा 30, 36, 36, 9100, 9100 36, माइनस में आएगा, माइनस में 9100 36, माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर 9136 आंसर निकल कर चलाएगा, कितना 9136 इसका आंसर निकल कर चलाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका 9136 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। जब भी आप क्वेश्चन में इस टाइप से कहें बड़ी से बड़ी संख्या में क्या निकालना पड़ता है, एस सी एफ, और छोटी छोटी संख्या एल सी एम। और देखिए पर इस टाइप क्वेश्चन में क्या हुआ, कन्फ्यूज करने के कि आप कन्फ्यूज कर जाइए, एस सी एफ निकाल दीजिएगा, मगर क्या करना, क्वेश्चन में क्या कहा गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10,000 में से घटा जाने पर शेषफल को 32, 36, 48, 54 से भाग दिया जा सकता है। तो क्या करना, इसका एलसीएम पहले निकालना है, कितना घटाने, 10,000 में से घटाने पर एक्स घटाए कितना देता है, एलसीएम निकाल उसको बराबर कर दिए और उसको आप आंसर निकल कर चलाया।